प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर से भी जनता टीवी के संपादक वरुण गोयल ने बातचीत की और बातचीत में उन्होंने मथुरा में भी श्री कृष्ण कथा कहने की इच्छा जाहिर की। देवकी नंदन ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद है अयोध्या में। देवकी नंदन ठाकुर जी, निगमानगम प्रतीक्षाएं फलीभूत हुई है, ऐसा अवसर है। देखिए, जिनकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी वो कल्पना हम लोगों के सामने प्रकट हो रही है और ये हम सबके लिए, सनातनियों के लिए गौरव की बात है। और हमको ऐसा लगता है कि सभी सनातनियों को एक बात सोचनी चाहिए कि आजादी के बाद जो सबसे बड़ा गिफ्ट मिल रहा है वो ये गिफ्ट है। राम मंदिर का निर्माण सनातनियों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट आजादी के बाद का है, तो ये हम सबके लिए मंगल नहीं है। सनातनियों के जीवन का सबसे बड़ा क्षण माना जाए, सबसे बड़ा क्षण आत्मा ही है परमात्मा, और परमात्मा के मंदिर का निर्माण हो रहा हो इसका मतलब है कि मानव जाति का निर्माण हो रहा है। कृष्ण कथा करने वाले जब राम की कथा कह रहे हैं तो किस तरह के भाव हैं? बहुत सुंदर भाव हैं। और राम कथा इसलिए अयोध्या में कह रहे हैं क्योंकि कृष्ण कथा कहने की इच्छा है मथुरा में। कृष्ण कथा कहने की इच्छा है मथुरा में। देवकी नंदन ठाकुर जी को आप सुन रहे थे जो बता रहे हैं कि ये सनातनियों के जीवन का सबसे बड़ा क्षण है। कैमरामैन दीपक के साथ वरुण गोयल, आईएनएस जनता टीवी के लिए अयोध्या।